हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग क्लीनिंग कर रही हूँ, अपने सारे रूम्स के बेड्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। साथ में मेरी सिम्या है, तो मैं उसके साथ भी बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरी पूँछ है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरे साथ चलती रहती है। तो बस थोड़ा सा रूम क्लीन दिखा रही हूँ। तो आज मैं ऊपर वाले रूम्स की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब हम नीचे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे आना जाना थोड़ा सा हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भैया लेटे थे, तो वहाँ पर बस मैं थोड़ा सा बिस्तर यहाँ ठीक कर रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह डाला था उन्होंने। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लैंकेट नहीं अभी तक उठा रहे हैं, लेकिन मेरी बहुत से फ्रेंड हैं जिनके मैं वीडियोज़ देखती हूँ, तो वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ गई है। तो हमारे यहाँ का मौसम आपको बताऊँ तो गाइस, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडा है। तो ये जो मोटे मोटे ब्लैंकेट है वो अभी हम नहीं उठा रहे हैं, नहीं तो अभी तो एक बात बताऊँ तो हमने ना फ़ैन भी नहीं शुरू किए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ठंडी हो रही है। तो आप करें इंजॉय आज की मेरी क्लीनिंग का वीडियो, और कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो जल्दी से शुरू करती हूँ क्लीनिंग, तो लेट्स सी। तो गाइज़ ये भी आ गए हैं मैं दूसरे रूम में, जो हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है ऊपर वाले हमारे फ्लोर का। यहाँ पे थोड़े से फ्लावर वगैरह में थोड़ी सी धूल पड़ गई थी, तो मैं और सिमा यहाँ पे आए हैं, थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ मैं ये साथ में। सिमा मैडम भी है मेरे साथ, लियो लेज़ वगैरह अपने खाने पीने का काम कर रही है, और मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ साथ में, क्योंकि इसका ये है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ साथ में चलती रहती है, और उसका ध्यान भी कैमरे की तरफ होता है बहुत ज़्यादा, मना करने पे ही साइड होती है, नहीं तो ये फ़ोन के साथ ही लगी रहती है। तो बच्चे को तो वैसे भी है कि जहाँ भी मम्मी जाते हैं बच्चे साथ में ही चलते रहते हैं, तो बस मैं उसको साथ में लेते लेते ही क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पर भी धूल वगैरह पड़ी है, 2-4 दिन से हो रही थी क्लीनिंग करने का मेरा मूड, बट नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए मेरी लाइट भी यहीं पर है, रिंग लाइट जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो कुशन वगैरह भी ठीक कर रही हूँ, सब कुछ ऐसे क्लीन कर रही हूँ। और क्लीनिंग की बात बताऊं तो 3-4 दिन तो यहाँ पे भी क्लीनिंग करना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि भले ही यूज़ ना हो चीज़ें बट धूल तो पड़ ही जाती है, डस्ट तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है अपने घर में भी। तो अब इसके बाद चलती हूँ मैं अपने रूम में, वहाँ भी है काम थोड़ा मुझे। तो जी अब यहाँ पे आ गई है बारी मेरे रूम की, और मैं अपने रूम की बात बताऊँ तो यहाँ पे तो 1-2 बार आने से ही सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सिम्या का आना जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो अपना स्कूल बैग लेके घूमती रहती है, या फिर मेरे अलमीरा में लगी रहती है, या मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामान के साथ नीचे वगैरह फेंकती रहती है, तो वो सब कुछ ढूंढना पड़ता है मुझे एक एक करके, जिसके चलते इस रूम की तो डेली ही क्लीनिंग होती ही है, करनी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे जब घर में हों तो वो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मुझे रेगुलरली यहाँ पे आना ही पड़ता है। और अगर आप अपने बच्चे की बात बताऊँ या किसी भी बच्चे, मैंने और भी वीडियोस देखे हैं, सभी मेरे फ्रेंड्स बोलती हैं कि बच्चे आजकल के बहुत ही ज़्यादा शरारती है। वो सच्ची बात है, हमारा टाइम ठीक था, हम बिल्कुल शरारती नहीं थे। हमारा तो ऐसा था, मुझे तो एक जगह बैठा देते थे बचपन में, तो मैं तो बस वहीं बैठी रहती थी, बट यहाँ आज के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तीखे हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते हैं और अपने ही मनवाते हैं हर टाइम। ये सिम्या का भी यही है, मैंने सोचा था मुंडन के बाद थोड़ा इसके चेंज हो जाएगा, तो बस इसी के अकॉर्डिंग आज मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग ऊपर के रूम की है 2-3, और साथ में अपने रूम की भी की है, क्योंकि सिम्या मैडम जहाँ पहुँचती है वहाँ पे गंद डालना शुरू कर देती है। तो बस वही आपको के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, और अभी मेरा टाइम हो गया है इसको पढ़ाने का, तो थोड़ी देर इसका स्टडी करवाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे क्या करना है। आजकल बच्चे को स्टडी कराना भी बहुत टफ काम हो गया है, क्योंकि स्कूल तो नहीं है बट घर में ही दिमाग का दही कर देते हैं काम करवाने के चक्कर में, और अपनी ही बात मनवाते हैं। और ये देखिए मैडम जी यहाँ पे स्टडी कर रही है, से हाय। हाय, कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या कर रहे हो अभी? पढ़
पढ़ाई कर रही हूँ। 1 2 लिखते हो आप हाँ अच्छे से? अच्छे से। ओके सुना दे जरा 1 2 10। 1 2 बोल दे। तो ये हाल है अभी पढ़ाई के। तो चलिए करवाती हूँ इसको स्टडी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे का काम। फ्रेंड्स तो ये था शाम का वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी शाम के टाइम हम सभी बाहर बैठे हैं क्योंकि अभी था शाम का मौसम, और मौसम नहीं सॉरी टाइम, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले सो के उठे थे। तो अभी तो अगर आपको बात बताऊं तो हवा का मज़ा ले रहे हैं, और साथ में यहाँ पर थोड़ा काम लगा है खेत का, तो हम लोग वही देख रहे थे। सिमिया भी उठ गई थी साथ में ही, उसको तो जब भी मैं उठती हूँ वो साथ में ही उठ जाती है, ऐसा नहीं है कि वो भी सो ही रहेगी, नहीं। तो बस हम सभी यहीं बैठे हैं अभी थोड़ी देर ले रहे हैं ठंडी हवा का मज़ा। तो ये था गाइज आज मेरा क्लिप, कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना, और प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और प्लीज़ वीडियो वॉच किया करे पूरा पूरा, और अपने घर में सेफ़ रहिए, कोरोना को दूर भगाना है, अपने घर में सेफ़ रहना है। ओके गाइज तब तक के लिए बाय।